स्वागत है आप सभी के एक बार फिर पबजी मोबाइल क्लब ओपन साउथ एशिया फाइनल्स मैच नंबर 17 वीकेंडी। मैं हूं 8-bit थग अनिमेश अग्रवाल, मेरे साथ है केतन पटेल K18। मजा आने वाला है बिल्कुल तक, और ये वाला मैच डिसाइड कर देगा प्रीटी मच कौन सी टीम यहां पे टॉप पे रहने वाली है और कौन सी टीम अब यहां पे स्लाइड डाउन होके एलिमिनेट हो जाएगी इस वाले टूर्नामेंट से। बट ये वाला बहुत ही बहुमूल्य मैच वीकेंडी में खेले जाने वाला है एंड यहां पे कुछ प्लेयर्स एम्पायर को देखिए आराम से लेट के खेल रहे, तो चिल मौसम चल रहा है। बट यहाँ पे अगर आप बात करें एनटीटी का खेमा, यहाँ पे उनको थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है बिकॉज वहां पे उन लोगों ने जो लीड कंटेन करी थी नाउ दे आर स्लिपिंग डाउन नीचे थर्ड पोजिशन में। बट यहाँ पे फ्लाइट पाथ चेक करते हैं बिकॉज दिस इज द मैच नंबर 17 साउथ एशिया रीजनल फाइनल्स। Over to you, Thug. Yes, मैच पात क्या अगर यहाँ से बात करें फ्लाइट पात की, तो ये मिलनार की ओर से होते हुए जा रही है एंड इट्स गोइंग टूवर्ड्स सीमेंट फैक्ट्री के थोड़े थोड़े नीचे। आई गेस नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द मैप पूरा कम्प्लीटली कट ऑफ हो गया है, विला के ऊपर किसी भी टीम को जाने में बहुत दिक्कत होगी। दे आर लॉट ऑफ टीम जो यहाँ पे कॉस्टो जबावा गोरोका पोटवोस्टो पेशकोवा जाना पसंद करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सोच रहा था लूज करी थी फिर भी पहुंचा जाएगा बट कॉस्मोड्रोम जाने में बहुत दिक्कत हो सकती है यहाँ पे। एक्जैक्टली, बट अभी सोल का स्क्वाड फिर से विनेरी की साइड पे जहाँ पे उनका अब काइंड ऑफ अ यूजुअल ड्रॉप, पहले वो चाहते थे वहाँ पे माउंट क्रेजनिक, हम लोगों ने बहुत बार वहाँ पे देखा बट यहाँ पे वो डायनेमिक अप्रोच चाहिए रहती है हर टीम से एंड गॉडलाइक का स्क्वाड वहाँ पे हॉट स्प्रिंग या तो कंट्रा आप जो भी बोलना चाहो वहाँ पे वो लोग गिरते हैं एंड कॉस्मोड्रोम में भी यहाँ पे एनटीटी का स्क्वाड क्या यहाँ पे वो लोग अब चेंज करेंगे अपना ड्रॉप। यप, यहाँ पे हम देख सकते हैं फनेटिक की टीम ड्रॉप लेते हुए आई थिंक इन लोग विला की ओर जाएंगे जो कि इनका बहुत ही यूजुअल ड्रॉप है। यहाँ पे स्काउट आपके स्क्रीन में है जो ग्लाइड करते हुए अपने ड्रॉप की तरफ जा रहे हैं। मुझे टीम नंबर 3 शायद उनके थोड़े आसपास घूमता हुआ दिख रहा है, टीम नंबर 2 बट आई गेस उन लोग पीछे चल जाएंगे जो एनएचएन की टीम है। यस, फनेटिक इज अनकंटेस्टेड एट दिस पॉइंट, फनेटिक नीड्स टू गुड गेम्स टू मेक इट टू द टॉप 5 एंड दिस प्लेयर्स इन सारे प्लेयर्स के अंदर वो कैलिबर है, वो क्षमता है, हमने इनको देखा है, इन्होंने पहले भी ये चीज किया है। स्काउट इज अ ग्रेट लीडर, वी ट्रस्ट इन स्काउट बट यस यहाँ पे एक अटेम्प्ट था उसका, आई गेस वो यूज इसे स्कोप इन कर रहा था बट इट वॉज हिज ओन टीममेट ओवेस। एंड यहाँ पे अगर हम बाकी टीम्स की अगर बात करें मैप की ओर देखें तो वाइनरी में सोल अनकंटेस्टेड है, जोन अभी तक बना नहीं है, गॉडल गई है हॉट स्प्रिंग की तरफ। अगर अब हम लोग देखें आरआईपी और एंटिटी इज द टॉकिंग पॉइंट, वो कॉस्मोड्रोम जा रही है, उनका यूजुअल ड्रॉप है, काफी लंबा स्लाइड उन लोग कर पाए हैं, आई गेस उनको व्हीकल्स मिल जाएंगे उन लोग जा पाएंगे। आईएनएस पॉडवोस्टो के नीचे की तरफ आईएनडी और आईएनएस एक दूसरे के काफी करीब है एंड जोन यहां पे कितने बेहतरीन तरीके से वाइनरी को बहुत ज्यादा फेवर करते हुए, बट यहां पे सिर्फ सोल को नहीं बल्कि मेगा और गॉडल को भी ये जोन काफी फेवर करेगा, ऑल्सो एलिमेंट्रिक्स एंड मेकर रोटेशन। विकेंडी का कभी भी कोई जोन की अगर हम बात करें तो सेंटर में कभी नहीं बनता है, आधा पानी में बनता है, अब ये रिचुअल्स बन चुके हैं। यहाँ पे अगर आप कोई भी टीम हो तो मेरे ख्याल से आप शोर खेलना आपको आना चाहिए अगर आप विकेंडी में खेल रहे हो, अगर कल हम लोगों ने देखा था डॉब्रो मेस्तो वाली साइड पे विहार वाली जहाँ पे एलिमेंट रोटेशन डालनी पड़ी थी सारी टीम्स को, बट यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टीम्स यहाँ पे सेंटर खेलने के लिए देख रही थी बट यहाँ पे जोन पूरा सदरन पार्ट पे बन गया, वो कैसल वाला ब्रिज है यहाँ पे वॉल्नोवो वाला ब्रिज, मेरे ख्याल से ये एक मेरे ख्याल से हॉट रहेगा वाला पिच। यस, यहाँ पे सिनर्जी की भी हम बात कर सकते हैं, टीम दैट इज गोइंग हॉट एट पोजीशन नंबर 2 काफी अच्छा गेम प्ले में देखने को मिला है, ये प्लेयर्स किसी से भी छुपे नहीं है, वी हैव सिर्वी प्लेइंग, वी हैव मेजर अल्फा प्लेइंग, वी हैव ऑस्टिन प्लेइंग, इतने अच्छे प्लेयर्स एंड फाइनली दे हैव कम आउट ऑन टॉप। हम जब पहले पीएसवाई था जब हम उनकी बात करते थे इन्होंने अपना यू नो दबदबा बना लिया था पूरे कम्युनिटी में, दे वर प्लेइंग एक्सीलेंट इन द प्रैक्टिस स्क्रिप्ट्स एंड एवरीथिंग एंड यहां पे फाइनली दे आर प्रूविंग देमसेल्फ व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट। ये जो टीम्स है यहां पे वाइनरी में उतरी है बट आई एम नॉट रियली श्योर कि उनको वाइनरी होल्ड करना आता है बिकॉज सबसे इंटरेस्टिंग बात है मैं सोल को ये टूर्नामेंट में ये ड्रॉप सेकंड टाइम देख रहा हूं, यहाँ पे सोल को बहुत केयरफुली वाइनरी को एसेस करना होगा बिकॉज गॉडलाइक मेगा, गॉडलाइक की अगर मैं स्पेशली बात करूँ, गॉडलाइक का ड्रॉप वो हमेशा रहे, दे नो कि उनको वाइनरी की तरफ से कैसे रोटेट करना है। ऑल्सो इस टूर्नामेंट में MYM की टीम खेल रही है जो बहुत बार वाइनरी उतरते थे, दे नो कि वाइनरी से कैसे रोटेट करते हैं, सो यहाँ हमें देखना होगा कि क्या सोल और SG जो कि अभी हमारे टॉप के टीम्स है जो ऊपर की तरफ चले अगर हम उनकी बात करें उन लोग अपने पोजिशन को होल्ड कर पाते हैं, और अगर बाकी टीम्स की बात करें जीरो डिग्री विच इज ऑल्सो टॉकिंग पॉइंट
ओपरो मेस्टर में उतरे हैं, इनको रोटेशन करने में डिफिकल्टी हो सकती है, क्योंकि अगर इन लोग सोचेंगे हम लोग वीआर की तरफ से निकलेंगे, वहाँ एलिमेंट्रिक सिंह के लिए गेट कीप कर रहा होगा और बाकी कहीं से भी रोटेट करना मीन्स दे हैव टू गो फॉर अ लॉन्ग रोटेशन। ऑल्सो एक और चीज यहाँ पे सोल के ऊपर मैं वापस आना चाहता हूँ, बिकॉज काइंड ऑफ वो सोल जोन के सेंटर में ऑल्सो दे आर टेकिंग दैट शोर वाला पार्ट। अब देखते कौन सी बहुत सारी टीम्स यहाँ पे आएंगी कि जो वाइनरी वाला पार्ट, एबे वाला पार्ट या वॉल्नोवा वाला पार्ट वो होल्ड करने की कोशिश करते, तो वहाँ पे फाइट मेरी ख्याल से इजीली आपको देखने को मिल गया। फेनाटिक भी यहाँ पे जोन के अंदर एंट्री मारेगी, बट वहाँ पे सिनर्जी का स्क्वाड उनका वेलकम करने के लिए बैठेंगे बिकॉज दे आर गेट कीपिंग द जोन ओवर देयर। एंड आईएनडी के पास भी ईजी रोटेशन बिकॉज कैसल के ईस्टर्न साइड पर कोई भी टीम वहाँ पे है नहीं, ओआरबी बिल्कुल एच से आ रही है वहाँ पे ईस्टर्न साइड से, मेरे ख्याल से ईजी रहेगा। बट यहाँ पे एनटीटी एंड आरआईपी को बहुत लेट हो जाएगा जोन में आने के लिए, ऑल्सो मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे स्क्वाड है। एंटिटी के लिए डेफिनेटली मैं बहुत कंसर्न्ड हूं, यहां पे एंटिटी कॉस्मो उतरी है जिसके जिससे जोन का जब लेट एंटर उनको रोटेट जल्दी करना होगा, जैसे डोंट हैव व्हीकल्स ऑन देम, मतलब व्हीकल्स अब जैसे आर ऑन देयर व्हीकल्स अब तक बैठे नहीं है, सो आई गेस लोग रोटेशन थोड़ा लेट कर रहे हैं गिवन दैट ओनली लास्ट टू लेट आने के बाद भी यहां पे जो भी टीम खराब खेलती है उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा कि वो वापस अपने यू नो इस पॉइंट से पहले वापस कुछ हलचल कर पाए। बट यस हियर वी कैन सी अ सिनर्जी वर्सेस फनेटिक की फाइट, ये फाइट फनेटिक को जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिनर्जी जिस पॉइंट सिस्टम जिस पॉइंट टेबल पे बैठे हैं, जितने पॉइंट्स लेके बैठे हैं उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, बट फनेटिक दे कैन नॉट अफोर्ड टू लूज इट। एंड मेजर अल्फा यहाँ पे ओवेस को ओपन में घूमते हुए देख रहे हैं, स्टिल नॉट टेकिंग द शॉट्स, अपना पोजीशन नहीं देना चाहते। और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा ब्रॉलर्स यहाँ पे रोटेशन शुरू कर चुकी है, दे आर एंटरिंग द जोन फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट पोजीशन, सेम फॉर एमवाईएम एंड टीडीपी भी जोन के अंदर काफी हद तक आ चुकी है। आईएनडी इज कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द जोन, तो ये हमारे पास यहाँ पे अलग से मैप खुला है, तो मैं जो भी हमारे ऑडियंस जुड़े हैं स्टेडियम में और घर से देख रहे हैं, तो ये एक वो ऐसा दृश्य है जो आप नहीं देख सकते पर हम आपको अपने बातों से दिखाना चाह रहे हैं। एंड ऑल्सो इफ यू टॉक अबाउट एनटीटी एंड आरआईपी, अभी तक उन्होंने कोई हलचल नहीं किया, उन लोग अभी भी वहीं अपना ग्राउंड होल्ड करें। सेम फॉर जीरो डिग्री एज वेल, डॉब्रो मेस्टो में काफी ज्यादा टाइम ले लिया इन्होंने यू नो अपना लूट लेने में। एक्जैक्टली गॉड लाइक मेरे ख्याल से अभी भी अपना कंपाउंड होल्ड करेगी एंड इतना ज्यादा वो लोग मूवमेंट नहीं देखा, पर अगर मैप आप देखो तो आईएनडी बहुत ज्यादा सेंटर आने की कोशिश करी, बट वहीं पे वो फिर फाइट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी बिकॉज विकेंडी में आपके पास इतने बड़े रिजेस नहीं होते कि आप अपने आप को एक्सपोज ना कराओ, और ऊपर से वाइट स्नो में आप आराम से एक्सपोज हो जाते हो, ईजिली स्पॉटेबल होते हो अगर आप सेनॉक की बात करो बिकॉज वो भी छोटा मैप है, बट यहाँ पे व्हाइट स्नो में आप इजीली स्पॉट हो जाते हो। बट यहाँ पे इंसीडेंस अगर आप देखो तो सामने से नहीं आना चाहती वो भी कैसल वाली साइड से मेरे ख्याल से एंटर करेगी, बट लेट्स सी यहाँ पे एनटीटी को भी रोटेशन डालनी पड़ेगी, देयर ऑन देयर व्हीकल्स राइट नाउ। फनेटिक रॉनक यहाँ पे एक स्नाइपर शॉट कनेक्ट करने की कोशिश, बट स्ट्राइडर सामने दिखा था बट कनेक्ट नहीं हुआ वाला शॉट। अब देखते फनेटिक के यहाँ पे जो आईजीएल है वो क्या यहाँ पे डिसीजन लेते हैं, बिकॉज उनकी जो डासिया थोड़ी सी ओपन में थी उन लोगों ने यहाँ पे सेव कर लिया, जो कि एक अच्छा डिसीजन था वहाँ पे, बिकॉज यहाँ से अगर अगले जोन में मूव करना है तो यू नीड दैट व्हीकल। यस बिल्कुल सही कहा आपने, पर एस जी यहाँ पे जोन को प्रायोरिटाइज करते हुए थोड़ा और यू नो साउदर्न पार्ट ऑफ द जोन जाना पसंद करेंगे। हम देख रहे हैं सारे टीम्स ने सेंटर ऑफ द जोन ये जो वाइनरी के आसपास वाले एरियाज है उनको काफी क्रैम कर लिया। आईएनएस भी आप यहाँ पे फनेटिक के सामने जाते हुए स्काउट का बहुत ही प्यारा स्प्रे, पर यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली एक भी शॉट कनेक्ट नहीं हो पाया, और एल्स आईएनएस को डेफिनेटली यू नो यहाँ पे उनको दिक्कतें हो पाती। आईएनएस शायद सिक्स पोजिशन पे बैठा है तो उनको यहाँ पे एक अर्ली एग्जिट नहीं लेना होगा, दे नीड टू गेट दैट पॉइंट्स, दे नीड टू गेट एटलीस्ट 10 पॉइंट्स। पर यहाँ पे एंटो G36 स्प्रे करते हुए ओआरबी पे, ओआरबी जो कि हमारे थर्ड लास्ट टीम है उनको एंटो यहां पे स्प्रे करने की कोशिश, आई थिंक डैमेज उन्होंने लिया भी है उनको लगा भी, पर यहां पे एंटो को ये चीज का ध्यान रखना चाहिए कि उनके सामने दो प्लेयर्स हैं, ऊपर से दोनों प्लेयर आ गए, एंटो यहां पे एक बहुत ही ब्लाइंड रश कर रहे थे एंड ही पेज द प्राइस। एंड यहां पे दक्ष माफिया कीकी इतना घटिया रश अपने टीम के लिए बचे हुए, आई थिंक एंटो को ये पुश में इतना 2 रुपए का नहीं लगाया फॉर श्योर, बिकॉज़ वहां पे दक्ष उसके एक सपोर्ट के लिए आता था, अगर वो रोड क्रॉस कर जाता तो मेरे ख्याल से दक्ष वहां पे एज अ सपोर्टर वहां पे रोल प्ले कर सकता, बट वहां पे उनको अपनी कार भी बचानी पड़ेगी, भागे जा रहा है माफिया नॉट डॉग भी यहाँ पे वाले ब्रिज से आएगा, बट चारों प्लेयर यहाँ पे ओआरबी के ब्रिज होल्ड कर सकते हैं, अननोइंगली दे आर होल्डिंग द ब्रिज, सिनिस्टर भी वहाँ पे व्हीकल अपनी लैंड करेगा एंड कीकी ओपी माफिया मेरे ख्याल से वो दैट वाज नॉट अ बैड मूव, नॉट अ ऐसे तो मरना बनता है बाय गॉड लाइक एंड ओवर, बट अभी नॉट डॉग भी थोड़े बहुत शॉट्स ले रहा है बिकॉज़ दक्ष वहाँ पे थोड़ा सा लेफ्ट फ्लैंक मारता हुआ आ रहा है, यहाँ पे सिनिस्टर भी सामने स्पॉटेड था बट कीकी ओपी has tried his level best. Yes, Kiki यहाँ पे अभी भी कोशिश कर रहे हैं, ORB versus Godlike की ये फाइट चलती रहेगी बिकॉज दोनों जन ऐसे positions पे है कि दोनों जनों position छोड़ना नहीं चाहेंगे, they would want to take out the other team. यहाँ पे Kiki पे shots आते हुए पीछे से Mad Dog के एंड दक्ष यहाँ पे थोड़ा सा rotate करके अपने teammate को closing किया, माफिया के पास आया वो, Kiki को अलग angle hold करने को दिया है वो, but yes, Ento का ये जो early loss था ये उनको बहुत तकलीफ देने वाला है। Okay, अगर अब मैं बात करूँ टीम सोल की, वहाँ पे मेहम जैसे मैंने पहले बोला शोर वो लोग सोल होल्ड कर रहे थे, अब उनके आसपास
बहुत ज्यादा सराउंडेड है वो लोग टीम से, यहाँ पे अब फाइट देखने को मिल सकते हैं बिकॉज मेम उनके पीछे आ चुके लेफ्ट हैंड साइड में INS है, राइट हैंड साइड में INT, बट इस वाले एयर ड्रॉप पे M249 अब सोल मॉडल को आप देख सकते हो विद दैट 4X यहाँ पे SLR चला रहे जो DMR स्पेशलिस्ट है, एंड कल हम लोगों ने देखा था बोल्ट एक्शन, नाउ इज ऑप्टिंग फॉर दैट DMR, बट MIM सामने स्पॉटेड है, क्लोक सामने देखा है क्या मॉडल यहाँ पे शॉट लेगा, बट वहाँ पे इज ऑप्टिंग फॉर दैट परफेक्ट शॉट, अब यहाँ पे एक शॉट टैप करा था बट मेरे ख्याल से राइट हैंड साइड पे एक और सोल का प्लेयर है, यहाँ पे इट्स के अगर पीक करेगा मॉडल इज रेडी फॉर दैट फर्स्ट टैप शॉट। यस बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पे मॉडल ने अपने ADS में MIM को पिन करके रखा है, MIM बट इज होल्डिंग अ गुड ग्राउंड, दे कैन अवॉइड दिस फाइट, दे कैन होल्ड दिस फाइट, सबसे बड़ी बात इतनी अर्ली इनको फाइट लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज MIM केम अप विद द चिकन एंड लास्ट गेम, एंड MIM के लिए तकलीफ पीछे एलिमेंट्रिक्स, बट आई गेस एलिमेंट्रिक्स इज बैकिंग ऑफ एंड उन लोग थोड़ा पीछे की ओर भाग जा रहे हैं। यस सो MIM के लिए खतरा अभी सिर्फ सोल है जो उनके सामने वाले हायर ग्राउंड में बैठे हैं, एंड टॉकिंग अबाउट अदर टीम्स, NTT अभी भी जोन के बाहर है, RIP अभी भी जोन के बाहर है, NHN जो कि नेपाल की टीम है, नेपाली होनी वो भी अभी भी जोन के बारे है, सो आई गेस एंटिटी को बहुत ही जल्द आना पड़ेगा, पर ये एक बेनिफिशियल हो गया अगर आप देखो अपार्ट फ्रॉम फनेटिक देयर इज नो वन गेटकीपर। एग्जैक्टली प्लस एट द सेम टाइम फनेटिक थोड़ा सा डिफेंसिव अप्रोच जा रही है बिकॉज़ वो जो एज होल्ड करने का जो सिनेरियो है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है कि दे आर गोइंग फॉर दैट पोजीशन ओवर देयर बिकॉज इनका हम लोगों ने देखा अगर अर्ली रोटेशन डालते तो बिकॉज वो जो प्लेयर्स हैं वो सारे के सारे असॉल्टर हैं, तो दे लव टू गो इनटू द फाइट एंड एंगेज करना चाहते, बट नाउ दे आर होल्डिंग देमसेल्फ बैक ऑन द एज ऑफ द जोन, बट यहाँ पे मॉडल यहाँ पे थम नहीं रहे, DMR का शॉट, ही इज ट्राइंग टू कनेक्ट दैट फर्स्ट शॉट, या तो अगर दो हेड शॉट लग जाते तो एक नॉक मिलेगा सो दैट दे कैन पुश ओवर द, बट अब एलिमेंट्रिक स्क्वाड सामने से निकलता हुआ एंड मेरे ख्याल से दे एस्केप दैट रोड एंड सामने से वो फाइट बीच में मेरे ख्याल से एक नॉक होता तो एलिमेंट्रिक्स को खामियाजा भुगतना पड़ता। यप ऑल्सो यहाँ पे ब्रॉलर्स और INS एक दूसरे काफी करीब है, दोनों ही टीम अपने टॉप 5 पोजीशंस के लिए फाइट कर रहे हैं, तो यहाँ पे और सामने जेड भी आ रही है, तो आई थिंक ये टीम के बीच में भी हमें काफी इंटरेस्टिंग फाइट देखने को मिल सकता है। एलिमेंट्रिक्स जाके पूरे शोर को पकड़ चुकी है, अगर यहाँ पे जोन नॉर्थ वेस्ट या नॉर्दर्न शिफ्ट लेता है, पर यहाँ पे फनेटिक के बिल्कुल सामने NTT आके रुक चुकी है, अब यहाँ पे अगर फनेटिक NTT को ले जाती है या NTT फनेटिक को ले जाती है तो आई थिंक ये एक बहुत ही दर्द भरा फाइट होगा। टूर्नामेंट से बाहर होने वाली एक क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, अगर NTT बाहर होती है तो फिर वो थोड़ा सा स्लिप डाउन करेगी फोर्थ या फिफ्थ पोजीशन में बिकॉज अर्ली एग्जिट इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, घातक यहाँ पे निकल रहे हैं सामने से बिकॉज एक प्लेयर पहले मेरे ख्याल से ओके सो ही स्टॉपिंग ओवर देयर आई थिंक, बट फनेटिक को मेरे ख्याल से थोड़ा सेफ खेलना पड़ेगा बिकॉज अगर अभी निकलते तो फिर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं वाली बात हो जाएगी, इस PMCO 2019 में इनका सफर यहीं खत्म हो जाएगा। यस बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पे NHN की टीम थोड़ा अग्रेसिव रोटेशन ले रहे हैं, जोन के अंदर स्ट्रेटी आने की इनकी कोशिश रही है, यहाँ पे INS वर्सेज ब्रॉलर्स की फाइट होने की हाई प्रोबेबिलिटी है, ब्रॉलर्स ने ऑब्वियसली INS को पिन पॉइंट कर लिया, देव स्पॉटेड कि कहाँ INS एग्जैक्टली बैठी है, पर ब्रॉलर्स के पास यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा हाइट एडवांटेज है, बट देन वो जोन बताएगा कि किसके पास एक्चुअली क्या एडवांटेज है, एंड आई गेस द जोन इज फेवरिंग गॉडलाइक RIP एंड ORB अ लॉट, यहां पे हम देख सकते हैं RIP और गॉडलाइक के बीच में फाइट होने की प्रोबेबिलिटी है, RIP काफी लंबा रोटेशन और लेट रोटेशन करके आए थे, ड्रॉप आ चुका है जिसमें MK14 है। एग्जैक्टली ट्रस्ट द प्रोसेस के एक प्लेयर आके वहाँ पे MK14 लेके जा चुके हैं, मॉडल अपनी रोटेशन डालने की कोशिश करेंगे, आई डोंट नो व्हाट इज एग्जैक्टली गोइंग ऑन इन देयर माइंड, बट उनके पास एक अच्छा ऑलरेडी एक कंपाउंड था होल्ड करने के लिए, बट वो चाहते हैं कि एक अर्ली रोटेशन यहाँ पे डाल दे जहाँ पे एक कंपाउंड उनको मिल जाए, बट स्टिल यहाँ पे एक एनर्जी ड्रिंक वहाँ पे उनको मिली है, बट मेगा फाइनल बॉस एंड उनका स्क्वाड दे आर होल्डिंग दैट वॉल्नोवा कंपाउंड, एंड NTT गेमिंग अब गेट कीपिंग कर रही है फनेटिक के लिए, क्या यहाँ पे अर्ली स्प्रे यहाँ पे देखने को मिलेंगे थोड़े मिड रेंज से, एंड एलिमेंट्रिक्स भी यहाँ पे शोर होल्ड कर रही है, सेम गोज विद मेहम एंड जेड का स्क्वाड भी यहाँ पे थोड़ा सा साउथ वेस्टर्न साइड वाली साइड से वहाँ पे वो लोग होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, गॉडलाइन वहाँ पे दे आर होल्डिंग देयर कंपाउंड। यस मीनवाइल INT के दलजीत ने टेम्पेस्ट को यहाँ पे नॉक ऑफ किया, आई गेस इट वाज अ बोल्ट एक्शन शॉट, INT और RIP एक दूसरे के का क्या यहाँ पे हम लोगों को एक बोल्ट एक्शन शॉट एक हेड शॉट देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे सामने एक कनेक्ट करा था बट विजुअल्स नहीं थे वहाँ पे हमारे पास, बट यहाँ पे दलजीत दूसरा एंगल स्पॉट करने की कोशिश करेंगे, बट यहाँ पे नेपाली होने का स्क्वाड एज ऑफ नाउ दे आर ट्राइंग टू कम इनटू द जोन एंड सामने सिनर्जी होल्ड कर रही, क्या पिन करेंगे वहाँ पे टीम नंबर 2 जो दिख रहे हैं, बट यहाँ पे जेड गॉड ने यहाँ पे वेम्पायर को नॉक डाउन करा विद दैट M416 स्प्रे, बाकी INT मेरे ख्याल से एक अच्छी पोजीशन में, सोल के पास तो एक अच्छा कंपाउंड है जहाँ पे वो लोग विनेरी में खेल रहे हैं। यप एंड यहाँ पे गॉडलाइक भी काफ़ी अच्छे स्पॉट में, अगर आप देखना चाहें गॉडलाइक, मैं ऑल्सो बात करना चाहूँगा मेगा स्टार्स के, कंसिस्टेंटली पॉइंट्स ले रहे थे पर एक भी एक्सीलेंट गेम इन लोग अपने नहीं निकाल पाए, जहाँ पे इनके पास एक चिकन डिनर होता बहुत सारे किल्स किया जहाँ उनको बैकअप मिलता, पर यहाँ पे दलजीत ने और एक अपने M24 का शॉट कनेक्ट किया एंड RIP के टेम्पेस को फिर से नॉक किया, यहाँ पे RIP के प्लेयर्स पिंड है दलजीत के ADS के सामने, उन लोग कुछ ज़्यादा हलचल नहीं कर पा रहे हैं, एंड RIP यहाँ पे INT चाहेगी कि उन लोग इस RIP को जितना दूर रख सके रखें, बिकॉज RIP का हमने देखा है जब पुश करते हैं बहुत
बहुत ही कोऑर्डिनेटेड सिंक्रोनाइज पुश करते हैं, वन ऑफ द बेस्ट पुशर्स है ZDD के बाद। ZDD का मैंने बेस्ट अग्रेसिव गेम प्ले देखा है, पर RIP भी काफी अच्छा प्लान करके पुश करती है किसी भी ओपोनेंट को। एग्जैक्टली, बट दलजीत के सामने टेम्पेस्ट मान नहीं रहे बिकॉज वो बार बार अपने आपको पीक अपने आपको एक्सपोज कर, अपना हेड एक्सपोज कर, उनके पास कोई हेलमेट भी नहीं है, प्लस ऑन उनका अब सेकेंड रेव भी हो चुका है। अब देखते हैं एक और अगर यहाँ पे रेव हुआ मेरे ख्याल से फिर फाइनल सर्कल में उनको ब्लीड आउट, जो वो फास्ट ब्लीड आउट होता हुआ देखने को मिलेगा टेम्पेस्ट के साइड से। बट और भी अपना कंपाउंड होल्ड करे, INT के पास अपना कंपाउंड है, RIP तो इतनी जल्दी फाइट देखने को नहीं मिली, बट इसके बाद वाला जोन डिसाइड करेगा कौन सी टीम के पास वो एक जोन है, वो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है। सो अगला जोन क्या वोल्नोवा में बनेगा, क्या हॉट स्प्रिंग कांट्रा वाली साइड पे बनेगा, क्या अबे में बनेगा, क्या यहाँ पे विनेरी पे बनेगा? यप, इंटरेस्टिंग हो जाता है अगर जोन ऊपर की तरफ कट जाता है जहाँ पे NTT, SG और Fnatic है, तब जितने टीम्स को रोटेट करना होगा इस गेम में हमें बहुत अच्छा मूड देखने को मिलेगा, बहुत अग्रेसिव गेम प्ले देखने को मिलेगा, काफ़ी लोग यहाँ पे मरेंगे बिकॉज उनको रोटेट करना होगा। बट यस, वी आर वेटिंग फॉर द जोन। मीनवाइल अगर आप देखो यहाँ पे Zed वर्सेज MYM इनकी फाइट जारी है साउदर्न पार्ट ऑफ द मैप में, बट Zed और MYM इन दोनों को अगर डिपेंडिंग अपॉन द जोन, पर जोन यहाँ पे एक बहुत ही बैलेंस और शिफ्ट लेते हुए हर तरफ से तो ऑलमोस्ट इक्वली एक बार बस वो इनिशियल गया नीचे, उसके बाद से तो मिड में भी पकड़ा है, RIP की जो स्पॉट है उनको एज अ हॉट स्पॉट्स। Exactly, but Scout and उनकी टीम मेरी ख्याल से थोड़ा डिफेंसिव मोड, जैसे मैंने इस मैच के अर्ली स्टेज में बता दिया कि वो लोग नहीं जाने वाले फाइट के लिए, दे आर गोइंग फॉर द पोजीशन एंड सबसे मेन चीज Fnatic के अलावा, लेकिन उनकी गलती है फाइनल सर्कल में वो अभी ट्राई कर रहे हैं बिकॉज़ या तो परितोष या तो कोई ना कोई तो नॉक हो जाता है, या ओएस या रोनक या स्काउट भी खुद यहाँ पे नॉक होते हुए नजर आए हैं। बट क्या एंटिटी यहाँ पे उनके सामने जो Fnatic का स्क्वाड आ रहा है, क्या वहाँ पे स्प्रे ट्रांसफर देखने को मिलेगा? बट एंटिटी का स्क्वाड एज ऑफ नाउ दे हैव दैट कंपाउंड, बट Fnatic के पास कोई कंपाउंड नहीं है, वहां पे दे हैव टू प्ले दोज रिजेस, एंड अगर नॉक होता है तो एंटिटी गेमिंग फॉर श्योर एक अग्रेसिव पुश देखने को मिलेगा वहां पे। Yes, I guess Fnatic जोन के बाहर है तो ये पे भी काफ़ी प्रेशर वाली चीज़ रहेगी, दे वुड वॉन्ट टू गेट इन साइड द जोन फर्स्ट बिकॉज NTT के पास बहुत अच्छा कवर है, आपने बिल्कुल सही कहा। एंड ऑल्सो NTT के पास एक और मेजर कंसर्न है SG, तो आई थिंक Fnatic इस चीज़ को यूज़ करके रौनक और परितोष इन लोग अगर अपना स्पॉट नहीं दे, यहाँ पे NHN के HB ने NTT नमन को कार 98 शॉट से बहुत ही बेहतर नॉक किया, एंड नियो स्टिल पिक कर रहा है NHN के बंदों को, तो आई गेस NTT यहाँ पे तीन स्क्वाड्स के बीच में फंस गए, Fnatic, SG एंड NHN, तो यहाँ पे NTT को थोड़ा कंपोजर के साथ खेलना होगा, थोड़ा धैर्य रखना होगा, लेट्स गो एंटिटी, वेट फॉर अदर टीम्स टू रोटेट एंड उसके बाद इन लोग जा सकते हैं जोन के अंदर। सो मैंने देखा अमन को अंदर ही एक लेवल 2 या लेवल 1 का एक हेलमेट मिल चुका है, सो वो एक कंसर्न रहता है बिकॉज़ अगर आप क्लोज एनकाउंटर मिड अगर जोन से भी अगर आप मिड रेंज से अगर फाइट लेते हो तो आपका वो हेलमेट एक होना चाहिए बिकॉज वरना तो एक बुलेट आप नॉक। एग्जैक्टली, यहाँ पे मैट टॉप बन के यहाँ पे एक ग्रोजा लूट करने के लिए गए, वहाँ पे पानी भी कोई भी टीम ने यहाँ पे पिन करके नहीं रखा था, मैट डॉग इज कमिंग विद दैट ग्रोजा, है 4x तो यहाँ पे उनके पास हो गया, बट ग्रोजा एक जो क्लोज एनकाउंटर में सबसे बेस्ट और सबसे ज्यादा जो डैमेज वाली गन है मेरे ख्याल से, मैट डॉग यहाँ पे अच्छा खासा अगर यूज करेंगे तो ORB को फायदा हो सकता है इस वाली मैच में। जब Fnatic की टीम पे हमारा काफी POV रहा है इस गेम में बिकॉज यहाँ पे सब लोग चाहते हैं, कितने सारे ऑडियंस, कितने सारे लोग जो हमारे साथ स्टेडियम में जुड़े हैं वो चाहते हैं कि ये स्क्वाड इंडिया को जाके कुआलालंपुर में रिप्रेजेंट करे, पर उनके लिए ये इतना इजी नहीं होना क्योंकि दो ही गेम्स बचे हैं, काफ़ी सारे पॉइंट्स इनको लेने होंगे, काफ़ी अच्छे गेम्स निकालने होंगे, काफ़ी किल्स चाहिए होंगे, पर यस देखते हैं क्या कौन सी बेस्ट टॉप 5 टीम्स होती हैं इंडिया से जो जाके रिप्रेजेंट करते हैं। मीनवाइल यहाँ पे सोल वर्सेज INT वर्सेज RIP एक डेडलॉक सिचुएशन है, मुझे अच्छा कार ब्लास्ट हुआ वो INT के तरफ से, INT ने वहाँ पे शायद RIP के कार्स को वहाँ पे डैमेज दिया है, स्लेयर थोड़ा एक्सटेंड कर रहा है सोल की तरफ, स्लेयर को यहाँ पे केयरफुल रहना चाहिए बिकॉज INT के बाकी प्लेयर्स काफ़ी कवर में है, तो मे बी अगर स्लेयर वहाँ पे पिक ऑफ हो जाता है तो INT के प्लेयर्स उनको सही से कवर फायर नहीं दे पाएंगे। एंड जोन अभी तक हमारा श्रिंक कंप्लीटली नहीं हुआ, स्टार्ट हो चुका है, वी आर वेटिंग टू सी कि ये नेक्स्ट जोन किस तरफ जाता है। मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ ये जोन जाएगी TDP की तरफ, लेट्स सी, मेरे ख्याल से नॉर्दर्न साइड पे बिकॉज वीकेंडी का हमेशा वियर्ड ही जोन बनता है, मेरी ख्याल से थोड़ा नॉर्दर्न साइड पे बनेगा बिकॉज अभी तक साउथ की साइड पे मूव होता गया है, क्या पता ये वाला जोन नॉर्थ की साइड पे मूव करा, बट यहाँ पे सोल जहाँ पे मेरे ख्याल से वो तो रहेगा, सोल का कहीं ना कहीं तो अंदर रहेगा बिकॉज दे आर इन द पिन पॉइंट सेंटर ऑफ द जोन, और RIP मे बी INT भी यहाँ पे क्या पता अंदर रहे उस वाले जोन में, अगले जोन में। यप, एंड यहाँ पे ऑल्सो अगर ब्रॉलर्स की बात करें, ब्रॉलर्स बैकड्रॉप से सोल के पास आ रही है, INS और ब्रॉलर्स के अभी तक फाइट नहीं हुए, ऑल्दो मुझे दिख रहा है INS हल्का सा शायद TDP की तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं, जोन कुछ ही क्षणों में श्रिंक होने वाला है, सो आई थिंक उससे हमें काफ़ी इस गेम का एक रूप देखने को पता चल जाएगा कि कौन सी टीम किस तरफ जाना चाहेगी, कौन से टीम का यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाते हैं। एंड यहाँ पे जोन
फिर से एक शिफ्ट लेते हुए जो वापस वाइनरी वाले टीम्स को काफी फेवर कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी फनेटिक आने में बहुत रूट लेना होगा, उनको टारगेट करना होगा, घातक आप देख सकते हो ऑलरेडी ऑन द मूव है, व्हीकल लेके अपने टीम के लिए स्काउट कर रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं कौन सी जगह से वो निकल सकते हैं, एंड फनेटिक मीनवेल राइट साइड से निकल के मे बी गॉडलाइक या मेगा के बीच से निकल सकते हैं और जोन के अंदर अपना स्पेस बना सकते हैं, बट वैसे एक बुरा मूव भी नहीं अगर एंटिटी की साइड से देखा तो, बिकॉज वो लोग थोड़ा वेस्टर्न साइड से आ रहे हैं, उनके पीछे कोई स्क्वाड नहीं है, एंड दे कैन टेक फाइट विद टीडीपी और आईएनएस ने तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी एंगेज कर दिया है वहां पे, बट देखते हैं सोल एज ऑफ नाउ दे डोंट हैव टू टेक चार्ज, दे डोंट हैव टू टेक any fights with any team because Soul ke paas starting nahi lena bro, ek high ground pe hai wahan ke paas khelne ke liye, but yahan pe meanwhile agar hum baat kare IND ki to they are also in the good position right now, so kya rahi bhi hai but piche se ORB ka squad aa raha hai wahan pe spray transfer karne ki koshish, and kya yahan pe ek knock dekhne ko milega, but as of now they missed those shot over there, but piche se they are backstabbing, they got backstabbed by RIP squad, yes also maine dekha mega ke abhi ne wahan pe fnatic ke always ko knock kiya, IND ke jaldi se aata rahe bhi ke legend ko knock kiya, ORB ki puri team Soul ke bilkul samne aa chuki hai, मॉर्टल यहां पे काफी ओपन में घूम रहा है, आज के टाइम पे भागो मॉर्टल यहां पे नॉक एंड फिनिश हो सकता है, एंड आई थिंक दे आर गोइंग फॉर अ वेरी अग्रेसिव पुश, सडनली आउट ऑफ नोवेयर सोल के सामने तीन स्क्वाड आ चुके हैं, एंड सोल इज एक्चुअली गोइंग फॉर द पुश, दिस इज अ साइड ऑफ सोल व्हिच आई हैव नेवर सीन, बट दे हैव टू बी वेरी केयरफुल, उनके राइट में सांगवान है यू नो ब्रॉलर्स के, एंड यहां पे मॉर्टल टेकिंग द फर्स्ट चार्ज, एंड Soul is going for an amazing push, मतलब यहाँ पे this is something that is unexpected there, 16 but यहाँ पे ये वाला grenade ही फटेगा, अगर ये अंदर गया तो sinister यहाँ पे knock होगा, and क्या ये वाला grenade connect होगा, and yes mortal have took that push now, and अब देखने को मिलेगा blind push from the Soul, mortal coming up, clutch god यहाँ पे the best assaulter is going inside, and यहाँ पे क्या clutch god का एक और grenade यहाँ पे connect होगा ऊपर वाली window पे, he's trying to clutch, and यहाँ पे master फिर से एक और knock होता हुआ मार पे mortal, but यहाँ पे can they take that fight? Okay, so ISB यहाँ पे knockdown होता है, clutch god is going for the aggressive push, but अबे ETG brawler they also want to take that third party, but यहाँ पे kill steal करा ETG brawler dark ने, so that was also a, again a good move, but यहाँ पे soul mortal needs and desperate rev over there. Yeah, I guess यहाँ पे soul को थोड़ा composure वापस आना चाहिए, और भी के matter में यहाँ पे regaltos को pick off कर लिया, दो player soul के down है, and यहाँ पे regaltos के finish होने की high probability, ऊपर से mad dog और maxus काफी तकलीफें create कर रहे हैं, but yes I guess एक बार clutch god revive हो जाए तो I guess team में वापस थोड़ी जान आएगी, regaltos के finish होने के probabilities बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, नीचे से maxus आ रहा है, and I guess brawlers सबसे interestingly बहुत patience से third party कर रहे हैं, and एक तरह से ORB फंस चुकी है brawlers और soul के बीच में, and brawlers का जो third party है वो unfortunately उसकी पूरी इफेक्ट ले रही है ORB की स्क्वाड, एग्जैक्टली बट वहाँ पे एक किल तो वहाँ पे ले चुका, बट यहाँ पे maxus एक मोलोटोव से नॉकडाउन होते हुए जो कि आइकॉनिक का था, अब देखते हैं ETG brawlers कितनी जल्दी पुश कर, बट लेफ्ट साइड से एक फ्लैग आ रहा है सांगवान का, क्या वो एक अच्छा फ्लैग हो सकता है, बिकॉज लेफ्ट साइड में क्लच गॉड भी है, देखते हैं, एंड ETG brawlers आर कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड जहाँ पे सांगवान है, सांगवान इज ट्राइंग टू कम बिहाइंड आइकॉनिक डार्क, एंड नोवा भी मेरे ख्याल से फॉल बैक करेगा, सोल यहाँ पे सक्सेसफुली फॉल बैक कर चुके हैं, बिकॉज वो यहाँ पे अगर खोते हैं ये वाली पोजिशन सो अर्ली एग्जिट एक पॉइंट लेके जाएंगे, सही टाइम पे निकल गए वैसे, टीम्स को चांस देंगे ऊपर ओवरऑल पॉइंट टेबल में जाने की, जब आई गेस यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग डिसीजन था सोल का कि उन लोग बैक ऑफ कर रहे हैं, बिकॉज उन्होंने रियलाइज किया कि उन लोग जोन के एज में, एंड हु वुड वांट टू होल्ड वाइनरी जब जोन पूरी उनको फेवर कर रही थी, अब एज में काफी सारे टीम्स है जो कि एज में खेल रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम INS जिनके पास बहुत ही प्यारा रास्ता है अपना सेंटर पकड़ने के लिए, सेम फॉर मेगा काफी अच्छा गेम बना सकते हैं खुद के लिए, IND को यहाँ पे थोड़ा अग्रेसिव गेम खेलना होगा, दे हैव टू अर्न देयर वे इनटू द जोन, बिकॉज यहाँ पे उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होना, उनके सामने दो तीन टीम्स है चारों तरफ से INS घेर चुके, एक तरफ उनके RIP एक तरफ सामने सोल है, एक तरफ ब्रॉलर्स है, एक तरफ ORB है, वहां पे ब्रॉलर्स के सांगवा ने एलिमेंट्रिक से मिस्टर हेओजू को नॉक किया, क्रेटोस यहां पे अपने टीम के लिए बहुत प्यारे तरीके से होल्ड करना चाह रहे हैं, सबसे इंटरेस्टिंग बात है अभी तक फिफ्थ जोन आ चुका है, 16 के 16 टीम्स अलाइव है और 61 लोग अभी भी गेम में है, जो हमें बताता है कि वीकेंडी अगर आपको याद होगा यहाँ पे लेकिन सांगवान नॉक होते हुए आई थिंक ब्रॉलर से दो प्लेयर नॉक हो सकते हैं, नोवा के भी नॉक होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ गया, यहाँ पे एलिमेंट से ऑरेंज जी अपने टीम के लिए पुश लेते हुए, यहाँ पे आइकॉनिक स्प्रे दे रहा है, ऑरेंज जी ऑलमोस्ट ले जाएगा पर यहाँ पे रिलोड आ गया, एंड वहाँ पे ऑरेंज आइकॉनिक का कितना प्यारा यहाँ पे अपने टीम के लिए क्लच था, क्या योगदान था यहाँ पे आइकॉनिक का, यहाँ पे चारों प्लेयर ETG brawler के निकलेंगे, एंड यहाँ पे जो फाइट थी दैट वॉज समथिंग अमेजिंग, बिकॉज ऑरेंज ने एक चांस खोया जहाँ पे आइकॉनिक रिलोड में फंस चुका था, उसने माइक्रो उसे निकाली तो वो एक जो उसने गन निकाली गन स्विच करी दो सेकंड का, वहाँ पे एक वक्त था वहाँ पे ऑरेंज के पास कि वहाँ पे आइकॉनिक को निकाले, बट एज ऑफ नाउ ETG brawler पूरी चारों प्लेयर जिंदा निकलेंगे, सोल के चारों प्लेयर जिंदा निकलेंगे, बट यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात है मेहम पूरे पहुंच चुके हैं ब्रॉलर्स के बहुत ही करीब, एंड यहाँ पे मेहम चाहे तो ब्रॉलर्स के पास, एंड वहाँ पे फीड में मैं देख रहा हूँ लियो ओपी ने फनेटिक स्काउट और ओवेस दोनों को गिरा दिया, परितोष को मिलेगी, एंड फनेटिक यहाँ पे is eliminated the 15th spot
आई कांट बिलीव दैट केतन इट वाज द सेकंड लास्ट गेम दिस वाज देयर बेस्ट चांस टू मेक इट बिग बट नेवरदलेस यहां पे मेहम अपना अपॉर्चुनिटी टू पुश ऑन ब्रॉलर्स खो चुकी है. ऑल्सो वन साइडेडली फनाटिक को मैंने अभी तक नहीं देखा. जब हम लोगों ने देखा जेड स्क्वाड भी निकाला एक बार सेनॉक में, वो भी हमारे लिए एक ब्लंडर था. वहां पे सोच के भी हम लोग नहीं देख सकते बिकॉज स्काउट जैसी टीम मेरी ख्याल से वो एक एक शॉक होगा उनके फैंस के लिए भी. बट यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि आईएनडी का स्क्वाड राइट साइड रोटेट कर रहा है, सोल के पास एक अच्छा स्पॉट है जहाँ पे ओके राइट नाउ दे आर आउटसाइड द जोन. अब यहाँ पे जोन बनता है आईएनडी के ऊपर बिकॉज दे आर मूविंग इनसाइड द जोन. यहाँ पे सेंटर खेलने वाले बट एनएचएन के एलेक्स वाईटी दे हैव बीन नॉक्ड आउट. यहाँ पे सिनर्जी थोड़ा सा चार्ज कर रही है इस वाले मैच में. यप एंड यहाँ पे सोल के सामने जेड की टीम है. जेड की टीम भी टॉप 5 स्पॉट के लिए बहुत हाई कंटेंशन में है. वहाँ पे आरआईपी के लेजेंड ने गॉडलाइक के दक्ष को नॉक किया. आरआईपी की टीम पीछे से आ रही है, इनको बहुत सारे स्मोक की जरूरत पड़ेंगे. आरआईपी के लेजेंड गॉडलाइक के दक्ष को नॉकआउट करते हुए गॉडलाइक के दो ही प्लेयर्स बचे हैं. एंड यहाँ पे आरआईपी सोल के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं. पीछे से ओआरबी आ रही है जिनको पता है कि सोल का कौन सा पाथ था. तो आई गेस ओआरबी ब्रॉलर्स और एमवाईएम ये तीन टीम में से ओआरबी कुड बी द लीडर्स बिकॉज दे आर मूविंग अप इनटू द जोन. 6 जोन है केतन, यहां पे किसी भी टीम को सोल का डैमेज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा फॉर श्योर. यहां पे सोल आ चुके हैं सदर्न पार्ट से एंटर कर चुके. बट अभी सिनर्जी का स्क्वाड है नेपाली होने के को दिक्कत है. बट अभी जोकर नॉकडाउन हुआ है घातक के स्प्रे से. एंड नो फ्रॉम नो वेयर एंटिटी इज इन द आई थिंक गुड पोजिशन बिकॉज उनके पीछे एक टीडीपी का स्क्वाड आ रहा है. बस अगर उनको निकाले तो मेरे ख्याल से वेस्टर्न साइड पे दे कैन होल्ड दैट रिच ओवर द. बट अभी सोल वाइपर के सामने फिर से ओआरबी यहां पे इनको इंजेक्ट करती हुई पीछे से फिर वही पुश आ रहा है. एंड देखते कौन सी टीम यहां पे निकल के जाते हैं बिकॉज सोल मॉडल इज होल्डिंग दैट ब्रोकन वॉल ओवर देयर. वाइपर के पास एक स्मोक बॉल डाला है जस्ट फॉर अश्योरेंस की कोई स्प्रे ना आए कोई क्लोज एनकाउंटर ना हो. बट अभी ईटीजी ब्रॉलर डार्क के सामने है मेगा फाइनल बॉस एंड ब्रॉलर डार्क हैज बीन नॉक्ड आउट ओवर देयर बाय मेगा AV's spray and Noah bhi yahan pe knockdown hote hue two player knockdown and Sang Wan bhi knockdown hote hue with a split second. I think iconic yahan pe fir se यहाँ पे ये वाली फाइट निकालते हैं. मेगा फाइनल बॉस हैज बीन नॉक्ड आउट. अब देखते हैं अभी क्या करता है. यहाँ पे स्पॉटेड है सामने आइकॉनिक को बट लियो भी सामने जाता हुआ अभी यहाँ पे नॉकडाउन होंगे कि नहीं. अभी को भी नॉकडाउन करा आइकॉनिक. क्या गेम में दिखा दैट वाज अनबिलीवेबल. अभी को यहाँ पे फिनिश करना पड़ेगा यहाँ पे बट आइकॉनिक को लेफ्ट साइड से मेगा लियो ओपी भी है. देखते कवर में जाओ यहाँ पे अपने प्लेयर्स यहाँ पे खो चुके आइकॉनिक. सो ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग इन दिस मैच. यस आइकॉनिक ने बहुत ही प्यारा ट्राई किया बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ब्रॉलर्स तीन प्लेयर्स जा चुके हैं. बट ब्रॉलर्स स्टिल 4 पॉइंट्स, उनको थोड़ा होल्ड करके खेलना चाहिए. वहां पे हम देख रहे हैं मीनवाइल यहां पे एनएचएन एलिमेंट्रिक्स टीडीपी फनेटिक आउट हो चुकी है. देयर आर लॉट ऑफ टीम्स विद वन टीम. व्हाट एंड फ्रॉम वेयर एंटिटी गेमिंग टू दोस 8 किल्स फ्रॉम वेयर. अच्छा यहां पे एक और चीज हमें देखने को मिला. अभी एंटिटी गेमिंग हैज 8 किल्स. वहां पे सोल के वाइपर कंप्लीटली नॉकआउट एंड फिनिश हो चुके हैं. एंड एंटिटी गेमिंग 8 किल ऑलरेडी ले चुके हैं. दे आर इनसाइड द जोन. यहां पे मुझे लग रहा है कि टेबल्स टर्न होंगे फॉर श्योर. बट यहाँ पे उस चीज को कंटेन करना पड़ेगा बिकॉज सोल की ऑलरेडी लीड थी वहाँ पे 7-8 पॉइंट के. बट यहाँ पे आईएनडी खेल रही है जोन का सेंटर. उनके पास जोन भी बना है. सो आईएनडी के ऊपर बहुत डिपेंड करता है बिकॉज दे आर ऑल्सो इन द 5th और 6th पोजीशन. कैन दे मूव अप ऑन द 2nd और 3rd पोजीशन ओवर देयर. बट इनके पास एक शेक है खेलने के लिए, इनके पास व्हीकल है कवर बनाने के लिए. बट सिनर्जी का स्क्वाड यहाँ पे रुकी नहीं. मॉर्टल ने यहाँ पे नॉक लिया है एमवाईएम क्लोक को एंड क्लोक ने अपने ही प्लेयर को नॉक डाउन कर दिया विद अ ग्रेनेड. व्हाई वुड यू वांट टू डू दैट. एंटिटी अमन गॉट स्पॉटेड. आईएनएस ऊपर यहाँ पे पूछा था बड़े ग्रेनेड आया है. क्या वो ग्रेनेड यहाँ पे कनेक्ट होगा. एक मोलोटोव भी है. लेट्स सी हाउ दिस फाइट गोस. यहाँ पे आईएनएस वर्सेस एनटीटी है. बहुत इंपॉर्टेंट फाइट है ये एनटीटी के लिए जीतना अगर उनको वहाँ पे टॉप 5 स्पॉट चाहिए. एंड वहाँ पे आरआईपी के स्काई ने क्लच गॉड को नॉक कर दिया. ट्रांस ने स्काई को नॉक कर दिया. आईएनएस के पास यहाँ पे उजी है. उनके पीछे एसजी की भी टीम है. उनको थोड़ा केयरफुल रहना होगा. एनटीटी क्या बेहतरीन यूज कर रहे हैं सारे यूटिलिटीज का. मल्टीपल मोलोटोव्स मल्टीपल नेट्स कमिंग आउट. एंड क्या इंटरेस्टिंग क्या इंटेंस फाइट देखने को मिल रहा है. दोनों टीम के पास सिर्फ एक रीच का पास है. वो रीच का पास को होल्ड कर रहे हैं. पर यहाँ पे एनटीटी को केयरफुल रहना चाहिए. उनके पीछे से आ रही है टीम नंबर 8. ओके तो बट यहाँ पे एमवाईएम का स्क्वाड क्लोज इन कर रहे हैं. यहाँ पे 5-6 विल गेट नॉकडाउन. ओके ही इज सर्वाइविंग विद दैट 1 एचपी. बट यहाँ पे एमवाईएम हैज बीन एलिमिनेटेड. जेड का स्क्वाड फिर से बताता हुआ क्यों ये टीम अभी के लिए किल के लिए पीछे भाग रहे हैं. इनके पास एक चिकन डिनर भी है. सो आईएनडी के पास एक अच्छी पोजीशन है खेलने के लिए. दे हैव गॉट आउट 2 किल्स. एक अच्छी पोजीशन है. क्या यहाँ पे जेड को निकाल सकती है वो टीम. यस एंड ऑल्सो इंटरेस्टिंगली मॉर्टल यहाँ पे नॉक एंड फिनिश हो चुका है. सोल इज डाउन टू 1 मैन. आईएनडी इज लुकिंग सो स्ट्रॉन्ग. एंटिटी इज लुकिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. लास्ट गेम में उन लोग जागे हैं. यहाँ पे उनको अपना पॉइंट मेक करने की वैल्यू है. द लीडर्स ऑफ टेबल एट डे 1. एक और नॉक लेते हुए यहाँ पे ऑस्ट्रिन एक्स. वुड यू बिलीव इट बिकॉज वहाँ पे जिस तरीके से एनटीटी ने वहाँ पे जोन होल्ड करा. बट अभी पीछे से बैकस्टेप होते हुए आईएनएस के स्मोकी फॉर द विन ने आके वहाँ पे घातक को नॉकडाउन करा. बट सोल रेगल टॉस इज गोइंग फॉर दैट हील बैटल. बट देखते कितना ऊपर जा पाते हैं यहाँ से
एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू टैकल दैट पोजीशन। बट यहाँ पे ओआरबी मैड डॉग स्प्रे ट्रांसफर कर रहा है, आईएनडी के लिए दिक्कतें खड़ी हो रही है। जॉनथन ने यहाँ पे पूरा एली आईएनएस का स्क्वाड फिनिश करते हुए विद दैट असिस्ट ऑफ नियो एंड अमन, बट ओआरबी मैड डॉग अभी भी वो ग्रोजा यूज कर रहा है। राइट साइड पे मेगा नियो ओपी एंड सिनर्जी के ऑस्टिन एक्स इज लिटरली सर्वाइविंग ऑन दैट 1 एचपी। बट यहाँ पे एनटीटी गेमिंग इज ऑन दोस 12 किल्स, कैन दे गेट सेकंड इनर, कैन दे गेट दैट सेम लीड अगेन। Yes, I guess NTT Gaming यहाँ पे इतने सही टाइम में अपना मोमेंटम पकड़े हैं। यहाँ पे Soul gets out at fifth spot and then we are down to the top three teams, IND, NTT, SG. SG is still in the fight and यहाँ पे SG versus NTT की एक बहुत बढ़िया फाइट होने वाली है for that number one spot, because we know कि इस गेम के बाद टेबल टर्न होने वाले हैं। NTT has 4 men, 12 kills. ऐसे गेम में उन लोग लीड लेना चाहेंगे जिस गेम के बाद उनको कोई नहीं रोक सकता। NTT के लिए आई वो गेम पर क्या टाइम पे आया, आई थिंक यू नो इससे बेटर टाइम में दे वुडंट हैव आस्क्ड ऑल द फोर प्लेयर्स टू सेट अप। बट यस 4v4 का फाइट है, क्रेटोस इज बैक ऑन हिज फुट एंड यहां पे स्लेयर दलजी दे आर गेट हीलिंग अप देन सेल्फ, ऑस्टिन एक्सपोर्ट हो गया, एसजी गेट्स नॉक्ड आउट, बट एसजी विल डेफिनेटली एंड अप विद मोर पॉइंट्स देन सोल। लास्ट गेम के पहले 9 पॉइंट्स का डिफरेंस था पर इस गेम में डेफिनेटली एसजी ने बहुत ज्यादा पॉइंट्स लिए हैं। ऑल्सो नाउ इट्स 4v4 फाइट इन द सेकंड लास्ट गेम ऑफ पीएमसीओ साउथ एशिया फाइनल्स। सेकंड लास्ट गेम में 4v4 एनटीटी वर्सेस आईएनडी, एनटीटी चेजिंग that number one spot, IND going for the top 5 finish, kya hoga kit? But meri khayal se wala thoda sa bura move tha, but dekhte kya Aman yahan pe assaulting kar payenge wahan pe jahan se wo vehicle leke gaya, teen player yahan pe Jonathan, Neo and Karthik are sticking by their side, but ye meri khayal se ek achhi position hai NTT ne banayi, because Aman ke paas ek different angle banega jahan pe front se inject karenge, and Aman wahan pe kind of ek cluster bana sakta hai dusri side se, ek angle create kar raha hai wahan pe Aman ne, kya perfect position hai yahan pe NTT gaming ke liye। देखिए लॉन्डो को क्या खुश है इन लोग, मतलब दे डिजर्व दिस। किस तरीके से डे वन के अमेजिंग लीड के बाद इन लोग ने फाइनली क्लिक किया, थिंग्स क्लिक फॉर देम एंड दे आर बैक विद दैट 37 पॉइंट का चिकन डिनर। आई वुड वांट टू गिव दैट क्रेडिट टू IGL जिसने भी यहां पे अमन को भेजा, अगर वो अमन का डिसीजन था तो आई वांट टू गिव दोस होल क्रेडिट टू अमन, बिकॉज जिस वे में वो आखिरी में 4v4 हुआ, मेरी ख्याल से अमन वॉज द मोस्ट एमवीपी ओवर दैट सिचुएशन। यहाँ पे देख सकते हो जॉनथन कहा था कि यहाँ पे खुश है, बिकॉज ये स्क्वाड आपको दिखता है हमेशा हर स्क्रिम्स में ग्राइंड करता हुआ। आईएनडी यहाँ पे थोड़ी सी गलती अपनी रेक्टिफाई करेगी बिकॉज उनके पास एक और मैच बचा है, क्या पता कहाँ से ये एक और चिकन डिनर ले और यहाँ पे टॉप 5 के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। बट यहाँ पे क्रेटोस फॉर श्योर रिग्रेट करेंगे बिकॉज वो चिकन डिनर के सिर्फ एक कदम दूर था, बट अभी जॉनथन वुड बी हैप्पी बिकॉज यहाँ पे टॉप 2 असॉल्टर्स ऑफ इंडिया मेरी ख्याल, वन ऑफ द टॉप 2, बट आप एक पेयर ये जो होता है जॉनथन और नियो का जो सपोर्ट देते हुए चलते हैं आगे, मेरी ख्याल से नो वन वुड हैव बेटर डन दैट। बट अमन को मेरी ख्याल से वो क्रेडिट देना पड़ेगा फॉर श्योर। यस डेफिनेटली एनटीटी गेमिंग कॉस्मोड्रोम उतर के कौन सोचा था वो इतने लेट रोटेशन के बाद इस गेम को ऐसा निकालेंगे, क्या बेहतरीन 17 किल। आई थिंक फाइनल्स में हमने किसी भी टीम को इस भारी मात्रा में एक गेम में किल्स लेते हुए नहीं देखे थे चिकन डिनर के साथ। 37 पॉइंट्स का इनका ये बढ़ोतरी जो इनको मिलेगा, I guess this is gonna change the tables entirely. They are for sure gonna stand at least 8 to 9 points clear of that number 2 team. ऐसे अगर थक की भाषा बोले तख्ते पलट दिए बिल्कुल। अब ओवरऑल स्टैंडिंग्स में अब हम देखते हैं, बिकॉज सोल यहाँ पे थोड़ा सा अर्ली एक्सिट लिया था, वहाँ पे देखते हैं कितना लीड उन लोगों ने लिया। सोल के नीचे जो एक टीम थी मेरे ख्याल से, क्या पता वो अब स्टूड अप कर जाए। सो सोल ने आई गेस यहाँ पे 4 या 5 पॉइंट लिए होंगे बिकॉज दे एंडेड अप 5th एंड जिनके पास kills, that means casualties नहीं थी उन्होंने, यही चीज मैटर करती है। दिस इज हाउ टीमवर्क इज डन एंड टीमवर्क के थ्रू ये पूरा का पूरा गेम आप चिकन। I was sitting with Raven and Goldie वगैरह, Goldie भाई, उन्होंने पता है क्या बताया कि मेन क्या होता है कि अभी तक हमने सोल को पूरे टूर्नामेंट में एग्रेसिव खेलते हुए नहीं देखा। 3 दिन से हम स्लोली मूव कर रहे हैं उस फाइनल सर्कल में, उस आखिरी गेम में जहां पे क्लॉक टिक करेगी कौन दो 5 टीमें होंगी। ब्रॉलर्स भी बहुत क्लोज है, आईएनएस भी है, सो ये फाइट जो जैसा कि मांबा भाई ने कहा था कि पहली 7 टीम्स के अंदर रहने वाली है, दिस माइट बी समथिंग टू बी सीन। हाई चांसेस यही है कि हमारी टॉप 5 यही टीम रहेंगी, बिकॉज ब्रॉलर्स का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, 18 पॉइंट मजाक नहीं होते फाइनल सर्कल के अंदर। और डिपेंड यहाँ पे वो 18 पॉइंट की परफॉर्मेंस अच्छी करेंगे बट 0 डिग्री को बुरा खेलना पड़ेगा। अब 2 कंडीशंस हैं यहाँ पर, अच्छा खेलना काफी नहीं है, सामने का बुरा खेलना भी बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने पूछा था आपसे कि अगर हमको अगर हमें हॉट ड्रॉप्स देखने मिलेंगे कि नहीं, क्योंकि हमने देखा है ब्रॉलर्स कैन प्ले रियली रियली एग्रेसिव, हमने देखा है कि दे कैन गेट दोस पिक्स एज़ वेल द पॉइंट्स एज़ वेल। आई थिंक यही टीम थी 40 पॉइंट्स लेने वाली पहले 2-3 प्ले।